जीडीए लोगों की समस्याओं का कैंप लगाकर समाधान कर रहा है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कैंप लगाकर अधिकारियों व कर्मचारियों को एक साथ बैठाया जाता है तथा लोग आकर अपनी समस्याओं को बताते हैं, जिससे अधिकारी उनकी समस्या को सुनते हैं और मौके पर ही उनकी समस्या का निस्तारण किया करते हैं। इससे नागरिकों को इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता है और आगे भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। उन्होंने कहा, नागरिकों के आवास का मानचित्र पास कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे वह अपने आर्किटेक्ट के माध्यम से मानचित्र ऑनलाइन सबमिट करेंगे और जीडीए द्वारा ऑनलाइन देखकर मानचित्र को पास कर दिया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, सर जीडीए के द्वारा नई व्यवस्था लगाई जा रहा है। हाँ, हम लोगों ने ये व्यवस्था नई शुरू करी है कि हम लोग कैंप लगाकर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को एक साथ बैठा देते हैं और फिर पब्लिक आती है, तो उससे क्या होता है कि अगर कोई पब्लिक आके कोई बात कह रही है कि हमारी फ़ाइल यहाँ पे फंसी है या यहाँ पे फंसी है, तो वो सब लोग सामने बैठे होते हैं, तो वहीं मौके पे ही फाइल आ जाता है, मौके पे ही उसका निस्तारण हो जाता है। इससे क्या रहता है कि पब्लिक को पटल टू पटल दौड़ना नहीं पड़ता है। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने शुरू करी है, इसको और आगे हम लोग सुदृढ़ करेंगे। सर मानचित्र पास करने के लिए, देखिए मानचित्र पास करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन ओबी पास करके एक सिस्टम होता है जिसमें वो अपने आर्किटेक्ट के माध्यम से मानचित्र ऑनलाइन सबमिट करते हैं, और जब ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो हमारे ही डैशबोर्ड पे मैं उसका पूरा मॉनिटरिंग करता रहता हूँ रोज़ कि कहाँ पे कितना पेंडेंसी है, तो रोज़ मॉनिटर करने से वो सारे पेंडेंसी दूर होती है और समय से मानचित्र पास हो जाता है।